तो फाइनली गाइज डायनेमिक्स पोकेमॉन हमें मिलने वाला है। अभी तक मैंने आप लोगों को वो न्यूज बता दिया है डायनेमिक्स पोकेमॉन आपको कब मिलेगा, बट गाइज कैसे मिलेगा वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ फाइनली आप लोग जो डायनेमिक्स पोकेमॉन रिलीज हो चुका है वो डायनेमिक्स पोकेमॉन को कैसे गेट कर सकते हो। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ है भाई ये। एक तो लेजेंडरी पोकेमॉन मतलब 5-स्टार लेजेंडरी पोकेमॉन में खतरनाक पोकेमॉन आ रहा है, उसके बाद डायनेमिक्स भी रिलीज हो रहा है। एंड जितना मुझे लगता है डायनेमिक्स को गेट करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा गाइस। सो कैसे क्या करना है स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो में। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेशन की नए वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायनेमिक्स रेड होने वाला है मतलब डायनेमिक्स पोकेमॉन जो आएगा मैक्स बैटल, ठीक है, मैक्स बैटल में आएगा डायनेमिक्स पोकेमॉन। सो गाइज ये डायनेमिक्स पोकेमॉन कब आएगा, डायनेमिक्स पोकेमॉन बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन भी है कि सितंबर 3 से आने वाला है। बिल्कुल नहीं, सितंबर 3 से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है। बट सेप्टेम्बर 3 आपको गैलर स्टार्टर्स मिलेगा, मतलब गैलर रीजियन का जो पोकेमॉन स्टार्टर्स है वो आपको मिलेगा। डायनेमिक्स पोकेमॉन आपको तब नहीं मिलेगा, डायनेमिक्स पोकेमॉन आपको मिलने वाला है 10 तारीख से, मतलब 10 सितंबर से। और अच्छे से सुनो, 10 सितंबर से 15 सितंबर तक होने वाला है ये 5 दिन आपको डायनेमिक्स का मैक्स बैटल मिलेगा। अभी 16 को अगर आप मैक्स बैटल ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो भाई, एंड दोस्तों को भी ये शेयर कर देना कि पोके भाई ने बताया 10, ओके भाई ने नहीं, मतलब ये ऑफिशियली है 10 सितंबर से 15 सितंबर, 10 सितंबर 10 एम लोकल टाइम स्टार्ट हो जाएगा एंड 15 सितंबर बिल्कुल 8 पीएम लोकल टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप 9 पीएम करने जाओगे 15 सितंबर फिर भी नहीं होगा, तो आपको ये टाइम ड्यूरेशन में ही मैक्स बैटल करना है। तो मैक्स बैटल में क्या होगा, जैसे हम लोग बैटल करते हैं रेड बैटल, मैक्स बैटल भी कुछ ऐसा ही होगा। तो मैक्स बैटल में आपको रेड करना है एंड वहां पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप रेड करोगे तो वो पोकेमॉन अपना डायनेमिक्स फॉर्म में ही रहेगा। तो अभी मैं आपको क्लियरिफाई करता हूं कि कैसे वो होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपको नहीं पता फिर से मैं बता देता हूं, जो 3 स्टार्टर पोकेमॉन आप लोगों को मिलने वाला है एज अ डायनेमिक्स पोकेमॉन में वो है डायनेमिक्स चार्मेंडर, स्क्वाटल एंड बल्बसॉर, एंड उसके साथ साथ कोवेट एंड वुलू, ये 2 पोकेमॉन भी आपको मिलेगा। तो ये जो 5 टोटल पोकेमॉन है इसका डायनेमिक्स फॉर्म जब आप लोग रेड करोगे, रेड मतलब मैक्स बैटल करोगे, वहां पर आपको डायनेमिक्स फॉर्म मिलेगा। बैटल कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग एनकाउंटर करेंगे तब वो डायनेमिक्स फॉर्म में रहेगा कि नहीं वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो डायनेमिक्स फॉर्म में नहीं रहेगा। मैं आपको समझाता हूं एलाबोरेट करके। रेड बैटल करने के बाद जब आप रेड बैटल करते हो लाइक मेगा पोकेमॉन, मैं आपको समझाता हूं मेगा पोकेमॉन, तो मेगा चारिज़ार्ड का आप लोग रेड कर रहे हो, तो जब आप बैटल कर रहे हो मेगा चारिज़ार्ड के साथ वो तो मेगा चारिज़ार्ड फॉर्म में रहता है, बट जब आप लोग एनकाउंटर मतलब कैच करने जाते हो रेड के बाद तो वो नॉर्मल चारिज़ार्ड बन जाता है। सेम टू सेम यहां पर भी वही होगा। अगर आप लोग मान लो कि चार्मेंडर, डायनेमिक्स चार्मेंडर या डायनेमिक्स वुलू का रेड कर रहे हो, मैक्स बैटल कर रहे हो, यहां पर रेड नहीं मैक्स बैटल कर रहे हो, तो बैटल करने के बाद जब आप उसको एनकाउंटर करोगे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाएगा। बट गाइस कुछ हमें वहां पर मैक्स पार्टिकल्स मिलेगा, आई थिंक सो, वो मैक्स पार्टिकल से आप लोग वो जो पोकेमॉन आपने एनकाउंटर किया है वो वुलू हो सकता है, वो चार्मेंडर हो सकता है, स्क्वाटल हो सकता है, बल्बसॉर हो सकता है, जो भी हो उसको आप डायनेमिक्स में बदल पाओगे। अभी उसके लिए और एक चीज चाहिए जो है डायनेमिक्स बैंड। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डायनेमिक्स बैंड भी आप लोगों को बिल्कुल मिलने वाला है एंड एक फ्री स्पेशल रिसर्च मिलेगा जिसको आपको जरूर कंप्लीट करना है, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर देना, अगर आप लोग चैनल में नए हो, ये मंथ में खतरनाक इवेंट्स आने वाला है गाइस, सो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो एंड बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेस कर देना, ऐसे इंफॉर्मेशन और भी पाने के लिए। हम लोग बहुत क्लोज है 50K सब्सक्राइबर के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है एंड फैमिली का मेंबर बन जाओ। और हाँ गाइस, अगर एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, बैटल करना चाहते हो, स्पेशली मैक्स बैटल आ रहा है एक साथ मतलब बैटल करके डायनेमिक्स पोकेमॉन गेट करना चाहते हो, तो गाइस मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, वो फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाना। एंड जो भी आपको खास
खास पोकेमॉन मिलता है वहां पर आप पिक्चर शेयर कर सकते हो। और हाँ गाइस, डायनेमिक्स पोकेमॉन का बेस्ट लोकेशन अगर आपको गेट करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो गाइस, अभी हम लोग बातचीत करते हैं स्पेशल रिसर्च के बारे में। स्पेशल रिसर्च है मैक्स आउट स्पेशल रिसर्च। अभी गाइस देखो, न्यू सीजन आ रहा है, हर एक सीजन में सीजनल स्पेशल रिसर्च हमें मिलता है जो हमेशा रह जाता है। जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे वो स्पेशल रिसर्च नहीं जाएगा। सेम टू सेम मैक्स आउट स्पेशल रिसर्च आप लोगों को मिलने वाला है। सो सिंपली वहां पर कुछ मिशंस रहेगा एंड वहां पर मैक्स पार्टिकल्स भी आई थिंक सो आपको मिल सकता है मिशन में एज अ रिवॉर्ड एंड बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको डायनेमिक्स बैंड भी मिलने वाला है, जो बैंड से आप कोई भी पोकेमॉन, मतलब जो डायनेमिक्स पोकेमॉन को आप गेट कर रहे हो उसको आप डायनेमिक्स में बदल पाओगे, समझ रहे हो। बट गाइस ये सितंबर 10 को नहीं आएगा, ये आने वाला है सितंबर 3। सितंबर 3 से आपको ये स्पेशल रिसर्च आपका जो आईडी है वहां पर मिल जाएगा, आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि स्पेशल रिसर्च है हमेशा रहेगा। ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये इवेंट में अगर आप डबल करके एक्सपी गेन करना चाहते हो, एक्सपी से क्या होता है गाइस, हम लोगों का जो लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अभी तो फिलहाल के लिए लेवल 50 चल रहा है, बट डायनेमिक्स पोकेमॉन रिलीज हो चुका है गाइस, बहुत ही जल्दी अपग्रेड भी होगा, हम लोग लेवल 60 तक भी जा पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर आपको डबल करके एक्सपी चाहिए तो गाइस बता दूं, जो मैक्स बैटल 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मैक्स बैटल करने के बाद आपको डबल करके एक्सपी मिलेगा। प्लस इवेंट के दौरान, मैक्स बैटल के दौरान आप लोग जितना भी पोकेस्टॉप को स्पिन करोगे आपको उतना डबल करके एक्सपीज मिलेगा, ये इवेंट बोनस होने वाला है, ठीक है। एंड साथ साथ में जितना भी पोकेमॉन मैक्स बैटल में आ रहा है, मतलब जो जो पोकेमॉन एज अ डायनेमिक्स आ रहा है वो सब पोकेमॉन, मतलब नॉर्मल वर्ष आपको फील्ड रिसर्च में भी मिलेगा, तो फील्ड रिसर्च टास्क भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। गाइस आई थिंक आप लोगों के सामने ये क्लियर हो चुका है कि कैसे आप लोगों को डायनेमिक्स पोकेमॉन को गेट करना है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमें 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में, मतलब ये 5 दिन बीच में नहीं, मतलब ये 5 दिन 10 तारीख से 15 तारीख आप लोगों से मैक्स बैटल करना है। और जो 3 तारीख को आ रहा है ना स्पेशल रिसर्च, वो अभी से कंप्लीट, अभी से कैसे करोगे, 3 तारीख से कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना। क्या फायदा होगा, आप अगर मैक्स पार्टिकल्स एंड वो जो मिल रहा है ना आइटम्स वो भी अगर मिल जाए तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत जल्दी डायनेमिक्स कर पाओगे। तो चलो गाइस आज के लिए इतना था इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जाके पूछ सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो, चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब अभी सब्सक्राइब कर दो, और भी तगड़ा तगड़ा वीडियोस आने वाला है बहुत जल्दी। एंड गाइस ये वीडियो में लाइक भी जरूर कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।